चलो हम लोग निकल पड़े पेंगोंग के लिए। हमने जो डिस्किट में ओनली पेट्रोल पंप है वहाँ टैंक फुल करवाया है। हमारे पास बाइक जो है वो है बुलेट 500, उससे हमारा पूरा चक्कर लगना चाहिए पेंगोंग से ले जाओ। और हमारे पास तीन बाइक है तो हमने 5-5 लीटर के एक्स्ट्रा कैन भी कैरी किए हैं, तो शायद से पेट्रोल की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, देखते हैं। तो आपको एक्चुअली एक अपडेट देना है कि हम लोग वैसे 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं क्योंकि हमको आना पड़ा हॉस्पिटल। हमारे एक साथी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, इसलिए हम ये डिस्किट नुब्रा के कुछ हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ बंदे को ग्लूकोज चढ़ाया तो 1.5 घंटा हमारा वेस्ट गया। बस इस ट्रिप पे हमको सारे नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। फाइनली हम लोग चल पड़े हैं पेंगोंग की तरह। बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बस खारदुंगला क्रॉस कर दिया तो मतलब सारे एडवेंचर ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं भाई। रोज़ नया नया एडवेंचर हमको देखने मिल रहा है। खारदुंगला क्रॉस करने के बाद फिर कल हम तुर्तुक गए थे, वहाँ का रास्ता भी भाई बहुत ख़तरनाक है। तुर्तुक के बाद हम लोग अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है। वेलकम टू लद्दाख। आज के दिन की ये पहली वाटर क्रॉसिंग, आज के दिन की ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग। थैंक गॉड मैंने गम्बूट पहने हैं तो उससे मेरे पाँव गिले नहीं हो रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। बता रहा था कि ये रोड जो बनाया है वो नदी में से बनाया है। देखो रोड में से नदी बह रही है।
रिवर क्रॉस करना मतलब बहुत मेहनत का काम है भैया। ये जगह देखिए एक्चुअली हम लोग कश्मीर में है ये पता चला। ये ऑसम जगह है, पैसा वसूल हो गया, ये बार बार कितना पैसा वसूल हो गया, लेकिन एक्चुअली पैसा वसूल हो गया। हो गया, हम वापस से खुश हुआ। बापरे रास्ता देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर। तो यहाँ परमिट मांगेंगे। मोबाइल नंबर है और कुछ लिखना है? ओके ओके थैंक यू। तो वहाँ शायद से फिर से एक चेक पॉइंट था जहाँ वो पैंगोंग का परमिट चेक किया और ये कॉपी रख दिया जरूर कॉपी। अभी यहाँ से पैंगोंग लेक है अराउंड 57 किलोमीटर, उसके पहले आएगा दुर्बुक 18 किलोमीटर, उसके बाद आएगा टैंक से 23 किलोमीटर। आपका नाम अंकल? मेरा नाम कंचुक। कंचुक, आपका नाम नहीं देना, अपना जबान टेढ़ी हो जाए। देखो इसे रुक के थे हम लोग। चलो जुले 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 भाई भाई जुले। हाँ अंकल से 2 मिनट बात किया मैंने, ऐसी अंकल पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं लेकिन क्यों आते हैं। मैंने बताया कि अंकल कि जो आपके पास है यहाँ है वो इंडिया में किधर भी नहीं है, बस इधर ही है और आपने इसको संभाल के रखा है बस वही। उनका नाम में 2 मिनट हो गया, उनके नाम ही इतने ख़तरनाक है कि जबान टेढ़ी होती है। अच्छा तो यहाँ से रास्ता जाता है, अभी कहाँ जाता है कौन सा सब देखना पड़ेगा भैया। पैंगोंग ना, पैंगोंग पैंगोंग थैंक यू। तो एक बार ये बोर्ड पढ़ लेना तो आपको पता चलेगा। देखा होगा ऐसे दिखता है बहुत दूर से पैंगोंग लेक। हा 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 हा। तो यह है पैंगोंग लेक, फाइनली हम आ गए पैंगोंग लेक। पता नहीं आप वो ब्लू पानी देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तो देख के हैरान हो गया। जैसे वो फोटो में देखते हैं ना वैसे ही है, वैसे ही है दिख। तो वर्थ इट पूरा ट्रिप, वर्थ इट। ते पुढे कॅम्प आहेत ना बघूया तर तिकडे। हां हां नाही पहिले कॅम्प बघू नंतर फिरू तर एक कॅम्प भेटलं टेन्शन नाही रे, आपलं कॅम्प भेटू दे पहिली।
ले कैंप को उधर पहले तो फोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर के बाद कुछ कैंप्स हैं, तो वहाँ जाके एक बार इंक्वायरी करते हैं। अगर अगर काम नहीं बना तो सीधा निकलते हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया, थांग से जाएंगे और वहाँ से करेंगे। और ये पैंगोंग लेक बहुत ही बड़ा है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे ठंडा बढ़ती जा रही है, जैसे रात को बहुत ही ठंड लगने वाली है। बहुत ही डेंजरस रोड है, यहाँ से मुझे बचना चाहिए। बहुत दूर कुछ जाम से नज़र आ रही है, वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे। बजट में रहा तो ठीक है, तो रूट है। चाहे कैम्प 2 का पर कैम्प 3000 रुपये 2 माणसाचे आणि 3 माणसाचे 4000 रुपये। तर बोलले एक कॅम्प दाखवा ना, मी एक्स्ट्रा गड्डे असेल तर मी एका रूममध्ये जाऊ, बघू का। फाइनली हमने ये कैंप बुक कर दिया है और कैंप कुछ ऐसा है। तो हमने ये कैंप 5 जन के लिए बुक किया है, हमने बोल दिया कि भैया हम लोग 5 जन एडजस्ट कर लेंगे। फाइनली हम लोगों ने ये वज्रा कैंप करके है पैंगोंग लेक में वो बुक कर दिया। अभी हम जा रहे हैं नीचे पैंगोंग लेक की तरफ।